नमस्कार दोस्तों, मैं जगमाल दिवासी, आप देख रहे हैं जगमाल टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो भी 7 दिन में। तो मैं ये आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले आपको मोबाइल में कुछ भी नहीं करना है, मोबाइल में जो भी करना है वो बाद में करना है। पहले सबसे पहले आपको एक नोटबुक और पेन लेना है, और जो भी आपको बोलना है वो आपको लिखते रहना है, लिख देना है। एक स्क्रिप्ट लिखनी है अच्छी से। अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपको एक मिरर के सामने आ जाना है, और पहले स्क्रिप्ट लिखने के बाद पहले 10 बार 15 बार आपको रट लेना है उसको अच्छे से। रटने के बाद आपको मिरर के सामने आना है और बोलते रहना है। आपको लगे कि यहाँ पूरा आपको याद हो चुका है, तो उसके बाद मिरर के सामने बोलने लगना है। बोलने के बाद आपको लगे कि पूरा आपको याद है एकदम प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपको एक वीडियो अच्छे सी रिकॉर्डिंग करनी है और उसको सुननी है 2 बार 3 बार, जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा आप जब भी सो रहे हैं दिन में तभी आप सुने इस वीडियो को, तो ये आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ गलती की और क्या आपने बोला। उसके बाद आपको वापस मिरर के सामने खड़ा होना है और वापस दूसरी स्क्रिप्ट है वो भी लिखनी है, और वो भी ऐसे ही इस तरह अपने आपको अपने आप से बात करना है मिरर के सामने। और ऐसे आप 7 दिन करते रहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, सुनिए, स्क्रिप्ट लिखिए, वापस मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप 7 दिन में ही बहुत अच्छी सी काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर लेंगे, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में हो जाएगी, और फिर कैमरे के सामने बोलना आसान हो जाएगा। और उसके बाद आपका बेनिफिट ये रहेगा कि यूट्यूब में आप कुछ भी गलती नहीं करेंगे। इसकी वजह से आपको पहले मिरर के सामने इम्प्रूव करना है कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद कैमरे के सामने आना है, और मोबाइल में रिकॉर्डिंग वीडियो उसको सुनते रहना है। उससे आपका काफ़ी बेहतर होते जाएंगे आप, और आप गलती करें तो गलतियों को सुधार कीजिए। उसके बाद आपको वीडियो अच्छे से एक बार एडिटिंग करना है। एडिटिंग करने के बाद आपको लगेगी एकदम अच्छे से बेहतर रिकॉर्डिंग हो चुका, तो उसके बाद आपको यूट्यूब पे पोस्ट करना है, और काफ़ी ऑडियंस को भी मज़ा आना चाहिए, आपको सुनने में बेहतर लगना चाहिए। इसकी वजह से ऑडियंस को लगना चाहिए कि आप बेहतर बोल रहे हैं, आपका आवाज़ क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। इस तरह से आप बहुत ही अच्छी काफ़ी, जिस तरह आप YouTube में अभी काम करते रहेंगे, लगातार अच्छे से अच्छे वीडियो डालते रहेंगे, तो आप खुद दूसरे मो अपने फ्रेंड के मोबाइल से सुनेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। आपने अपने अपने फ्रेंड के मोबाइल से अपने YouTube का वीडियो देखते रहिए, तो आपको भी लगेगा कि आपने कहाँ गलती की। जैसे गलती होती है चलता है, लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही वीडियो अच्छे से रिकॉर्डिंग करके आ जानी चाहिए, आपको पोस्ट करना है। और सबसे पहले आपको 7 दिन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद वीडियो चालू कर देना है। और यूट्यूब पे भी काम करने से आपके कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती रहेगी, और आप भी सीखेंगे और अपने आप को अपडेट करते रहिए। जैसे एक सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करना पड़ता है, उसी तरह हमें अपना हर स्किल को अपडेट करना चाहिए, ताकि हम और भी उसमें बेहतर काम कर सके। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी का हमारे हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।